हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोजीन। आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर में बॉटनी पेपर फर्स्ट का टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। ये चैनल हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए है, तो हिंदी वाले इंग्लिश देख के प्लीज़ घबराइएगा मत। आप लोग जो मैं बोल रही हूँ उसे समझिएगा, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखो, डेवलपमेंट दैट meets the need of present without compromising the ability of future generation to meet their own needs। मतलब इस तरह से डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट मतलब किसी भी जगह का इस तरह से डेवलपमेंट हो कि जो प्रेजेंट की जो जनरेशन है वो और जो फ्यूचर की जनरेशन है दोनों ही जनरेशन्स रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ कर सकें, इस तरह से डेवलपमेंट, ठीक है। अब जैसे कि अगर मान लो कोई रिसोर्सेज हैं, मान लो पेट्रोल एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, अगर हम लोग अभी प्रेजेंट की जनरेशन पेट्रोल का बहुत ज़्यादा ओवर यूज कर ले, है ना, तो अब जैसे कि पेट्रोल का यूज़ प्रेजेंट जनरेशन ने पूरा ख़त्म कर दिया पेट्रोल, ठीक, इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया, फ्यूचर के लिए बचा ही नहीं, तो ये तो गलत बात है ना। फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी तो हमको सोचना चाहिए। तो इसीलिए बोला गया है कि इस तरह से रिसोर्सेज का यूज़ करो कि हम लोग भी रिसोर्सेज का फ़ायदा उठा सकें और जो आगे के जो जनरेशन्स हैं, फ्यूचर जनरेशन्स, वो भी उस रिसोर्स का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। उन्हें भी किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। इस तरह के डेवलपमेंट को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। कि मतलब प्रेजेंट की भी नीड्स भी देखो और फ्यूचर की नीड्स भी देखो, ये नहीं कि खाली अभी का देखो और कल का भूल जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। अब ये डेवलपमेंट हो रहा है तो इसकी कुछ स्ट्रेटेजीज़ होंगी, मतलब किस तरह से हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला है हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग, मतलब नेचुरल तरीके से फार्मिंग करना, ठीक है। नेचुरल तरीके से कह सकते हो, अरे जो खाद वगैरह डाली जाती है तो वो ऑर्गेनिक यूज़ करना, केमिकल्स नहीं यूज़ करना, इससे सॉइल पे इफेक्ट पड़ता है, DDT एंड ऑल आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पोल्यूशन हो सकता है, ठीक है, तो वो हार्मफुल होगा, इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग करना। और डेली ट्रांसपोर्ट, मतलब डेली ट्रांसपोर्ट इनिशिएट करना चाहिए CNG को यूज़ करने के लिए बसेस वगैरह में, ठीक है। फोकस ऑन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, उन सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ करो जो कि फिर से क्रिएट हो सके, रिन्यू हो सके, ठीक हो गया आपका। फिर नेक्स्ट इज सनलाइट को जो है सोलर एनर्जी में चेंज कर सके और सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो सके किस में, इलेक्ट्रिसिटी में, तो ये किसके डेवलपमेंट में यूज़ होगा, ग्रीन डेवलपमेंट को बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरह से स्ट्रेटजी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। कंट्रोल ट्रेजेडी ऑन कॉमन्स, ट्रेजेडी ऑन कॉमन्स क्या होता है? ट्रेजेडी ऑन कॉमन्स मतलब जो रिसोर्सेज हमको ईजिली मिल रहे हैं उनका हम यूज़ करें ले रहे हैं बहुत ज़्यादा, और जो मतलब थोड़ा डिफ़िकल्टी से मिल रहे हैं उनका, उनके ऊपर हम मतलब उनको हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि उनको पाने के लिए हमको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी, तो ये गलत चीज़ है, ठीक है। मतलब जो मतलब ईजिली मिल रहा है उसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है यार, वो आसानी से मिल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन उसको ओवर यूज़ मत करो, आगे जनरेशन के लिए भी सोचो, है ना। तो ये हो जाएगा ट्रेजेडी ऑन कॉमन, दैट इज स्टॉप मैक्सिमम यूज़ ऑफ इजी अवेलेबल रिसोर्सेज, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सबको समझ में आया होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। एक प्रॉपर डेवलपमेंट रिसोर्सेज का इस तरह से यूज़ करना कि प्रेजेंट जनरेशन भी उस रिसोर्स का फ़ायदा उठा सके और फ्यूचर भी उन रिसोर्सेज का उतना ही फ़ायदा उठा सके, इस तरह से डेवलपमेंट होना, इस डेवलपमेंट को बोलते हैं क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, और अगर मेरे बनाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर देना और थोड़ी बहुत तारीफ वगैरह कर दिया करो यार, थोड़ा मुझे भी मतलब अच्छा लगेगा, पढ़ाते हुए भी लगेगा कि हाँ सामने से भी लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।